न्यूज फ्रॉम सिक्किम. देयर इज अ क्लाउड बर्स्ट इन सिक्किम एरिया. तीस्ता नदी में आई बाढ़ से भारी तबाही. बादल फटने से तीस्ता नदी में बाढ़ आई. फ्लैश फ्लड्स हैव लेफ्ट अ ट्रेल ऑफ डिस्ट्रक्शन. देयर आर 19 पीपल हु हैव डाइड. सेना के 23 जवान लापता बताए जा रहे हैं. बाढ़ के पानी में कई इलाके डूब गए. पानी के बहाव और उफान के कारण सेना की कुछ गाड़ियां भी बह गईं. इंडियन आर्मी रेस्क्यूड ओवर 150 टूरिस्ट. वायुसेना की ओर से रेस्क्यू अभियान भी चलाया जा रहा है. मेरी इस सिक्किम ट्रिप के दौरान हाल में ही 4 अक्टूबर 2023 को नॉर्थ सिक्किम में बहुत ही मैसिव क्लाउड बस्ट हुआ था, जिसमें सिक्किम के बहुत से इलाकों में बाढ़ आ गई थी और जान और माल का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था. कैजुअलिटीज भी हुई थी, जिसमें 20 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी. 23 भारतीय सैनिक लापता हो गए और इस फ्लैश फ्लड का बहुत बुरा इम्पैक्ट वहाँ के लोकल वेंडर्स और सिक्किम टूरिज्म पे भी पड़ा. मैं शायद लकी था कि क्लाउड बस से ठीक पहले मैं सिक्किम से निकला, लेकिन बहुत से ऐसे टूरिस्ट थे जो वहां पर 15 से 20 दिनों तक फंसे रहे. लेकिन सैल्यूट है हमारी इंडियन आर्मी को, जिन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए हर एक सिविलियंस को वहां से सही सलामत निकाल कर उनके घरों तक सेफली पहुंचाया. नेचुरल फिनोमिना हो या देश की रक्षा का सवाल, इंडियन आर्मी सिविलियंस और उनके सामने खड़ी हर मुसीबत के बीच हमेशा एक मजबूत दीवार की तरह खड़ी रहती है. इस बहादुरी के लिए हम सभी को भारतीय सेना और उसके हर एक जवान पर गर्व है और हमेशा रहेगा. और आज हम जहां पर जा रहे हैं वहां पर भी 14,150 फीट की ऊंचाई पर भारत के सिपाही माइनस टेम्परेचर में हड्डियों को गला देने वाली ठंड के बीच में खड़े होकर भारत की सीमा की रक्षा कर रहे हैं, ताकि हमें सहूलियत मिल सके बिना किसी डर के आजाद होकर घूमने की. तो आज का ये ब्लॉग और आने वाली हमारी नॉर्थ सिक्किम की सीरीज एक छोटा सा ट्रिब्यूट है हमारी भारतीय सेना के लिए. वैसे आप में से बहुत से लोगों ने लास्ट वीक गैंगटॉक का वीडियो देखने के बाद मुझे मैसेज किया था कि सिक्किम की करंट ट्रेवल कंडीशन क्या है, क्या इस वक्त वहां पर ट्रेवल किया जा सकता है, नॉर्थ सिक्किम खुला है या नहीं खुला है, परमिट्स बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं. तो मैं आपको बता दूं कि अगर आज के दिन की बात करें तो नॉर्थ सिक्किम में लाचेन और लाचून फ्लड के इम्पैक्ट की वजह से टूरिस्ट के लिए अभी भी पूरी तरह से बंद है. तो अगर आप हाल फिलहाल में नॉर्थ सिक्किम का प्लान बना रहे हैं तो कुछ दिन रुक जाइए और जाने से पहले वहां के लोकल टूर प्लानर से एक बार बात जरूर कर लें. लेकिन अगर आप ईस्ट सिक्किम में नाथुला पास या वहां की आसपास की जगहों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो बेशक जा सकते हैं, वो टूरिस्ट और विजिटर्स के लिए पूरी तरह से खोल दिया गया है. और जो लोग घर बैठ कर वर्चुअली इस जर्नी को मेरे साथ एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो वो मेरे साथ जुड़े रहें. गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के बज रहे हैं अभी 8:05 और मैं हूँ इस वक्त गैंगटॉक सिक्किम में और अब यहाँ से हमारी जर्नी शुरू हो रही है टुवर्ड्स नाथुला पास. आज के दिन हम एक्सप्लोर करने वाले हैं ईस्ट सिक्किम को, उसमें हम देखने वाले हैं नाथुला पास, उसके बाद हम देखेंगे छांगू लेक, उसके बाद हरभजन बाबा का मंदिर जो कि बहुत ही फेमस है, उसकी अपनी स्टोरी है. बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें आपको पता चलने वाली है आज के ब्लॉग में, ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखना. बाकी यहाँ जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये है वज्रा टैक्सी स्टैंड और यहाँ से ही शेयरिंग कैब जाती हैं. प्राइवेट कैब लेके भी जाना चाहते हो तो जा सकते हो, लेकिन मैंने शेयरिंग कैब बुक कराई है और शेयरिंग कैब में मैंने आगे की 2 सीटें पूरी ले ली हैं, तो मैं आराम से बैठ कर शूट वगैरह करते हुए ब्लॉग करते हुए जा सकता हूँ. बाकी अगर आप टोटल एमजी मार्ग में हैं और आपको वहाँ से यहाँ पर आना है तो कुछ 4 किलोमीटर की दूरी है और वहाँ पर बहुत सारी कैब्स चलती हैं, शेयरिंग कैब भी चलती है, प्राइवेट कैब भी चलती हैं. प्राइवेट कैब 150 से 200 रुपये लेती है, आपको यहाँ पर ड्रॉप कर देगी और यहाँ से आप फिर टैक्सी लेकर आगे बढ़ सकते हैं. बाकी मैंने पूरा पैकेज, कंप्लीट पैकेज लिया हुआ है, इसकी बुकिंग कराई है मैंने टूर किंगडम के थ्रू. ये एक टूर कंपनी है जिन्होंने पूरा अरेंजमेंट करके दिया है और एक अच्छी बात यह है कि अगर आप इनके थ्रू बुकिंग कराते हैं तो जो पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ट्रैवल का, टूर का, वो ये ले लेते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर परमिट भी बनाना पड़ता है. 24 घंटे का एक परमिट होता है जिसे आप दिखाकर फिर आगे जा सकते हैं, मतलब आज के दिन में ही हमें ये सारी चीज़ें देखकर वापस आना, क्योंकि नाथुला पास जाने के लिए परमिट बनता है. तो अगर आप सोलो ट्रैवलर के तौर पर आ रहे हो या फिर फैमिली के साथ भी आ रहे हो इतनी दूर से यहाँ तक, तो मुझे लगता है कि ये तरीका बहुत बेस्ट है. आपको सिर्फ आराम से गाड़ी में बैठना है और अपने टूर का मज़ा लेना है. तो अगर आप ईस्ट सिक्किम, वेस्ट सिक्किम या फिर नॉर्थ सिक्किम को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप इनके थ्रू बुकिंग करा सकते हैं. इनकी जो भी डिटेल है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, इनका नंबर वगैरह, आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. बाकी यही भी तक की अपडेट है, शुरू करते हैं आज का व्लॉग. वंस अगेन वेलकम बैक टू चैनल गाइस, एंड बाकी बातें करेंगे हर बार की तरह रास्ते में. चलो तो अभी मैं आ गया हूँ टैक्सी स्टैंड के अंदर. ये टैक्सी खड़ी हुई पीछे, इसी से हम कवर करने वाले हैं आज नाथुला पास को. और गाड़ी का नंबर है 0011, बहुत अच्छे VIP नंबर. आई थिंक 3 से 4 लोग हैं जो हमारे साथ ट्रैवल कर रहे हैं, तो मुझे लगता है सफ़र आरामदायक ही होगा. आप लोग को प्रॉब्लम नहीं हो गया? मैं थोड़ा सा ब्लॉग करते हुए चल रहा हूँ अपना,
बहुत ज़्यादा भीड़ तो नहीं है खैर गाड़ी के अंदर, जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था शेयरिंग कैब के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो। और हमें जो ले के चल रहे हैं ये हैं प्रकाश जी, प्रकाश छेत्री, आज हमारे चालक यही है। ओके, तो अभी हम लोग पहली चेक पोस्ट पे आ गए हैं जहाँ पर हमारा परमिट चेक होगा। और उस दिन जब हम हनुमान टॉक आए थे तो इसी रोड से होते हुए ऊपर की तरफ गए थे, वो जो रास्ता दिखा रहे वो ऊपर की तरफ जो रोड जाती है वो हनुमान टॉक की है, और सीधे जाएंगे तो नाथुला के लिए। रखना है एक अपो चॉकलेट लेके, कैंपर नहीं है तो ले लीजिए, आगे जरूरत पड़ेगा। कैमरा लगा रहा है मेरे तरफ, कोई बात नहीं है, ठीक है। कपूर कितने का ये? हाँ लेना ही नहीं तो वो, अरे प्राइस तो बता दो। अच्छा आप बता दो, 50 का पूरा बॉक्स है ये? हाँ एक डब्बा ही है। अच्छा रख रख लीजिए, आपको जरूरत पड़ेगा आगे, ठीक है। हमारे पास है बॉक्स, दे दीजिए। हाँ चॉकलेट दे दीजिए। एक क्या करेंगे, दो लीजिए, आप बोल रहे हो 40 का दो है लीजिए, ठीक है ठीक है, थैंक यू। आप इतने क्यूट हो ना इसलिए ले लिया, थैंक यू। तो ये एक टिकट अभी हमने लिया है, ये छांगू लेक का टिकट है। बेसिकली छांगू लेक बाद में देखेंगे हम, लेकिन इसका चेक पोस्ट क्रॉस करने के बाद यहाँ पर ये टिकट काउंटर बना हुआ है, तो टिकट पहले लेके रखना पड़ता है। भाई साहब क्या ब्यूटीफुल जगह है, तो सुबह तो बहुत क्लियर था, सुबह क्लियर था, पूरा दिख रहा था, कल तो इतना भी नहीं था। तो अभी टाइम हो रहा है 9:30 और हम नाथुला पास से कुछ 30-35 किलोमीटर पहले एक स्पॉट पे रुके हुए, और यहाँ से जो भाई कंचनजंगा का नज़ारा है खतरनाक, अल्टीमेट, बहुत बहुत ब्यूटीफुल। हालांकि नीचे की तरफ बादल है, इस वजह से पूरा व्यू नहीं दिख रहा, पर उसकी जो चोटी है ना वो बिल्कुल क्लियर साफ दिख रही है। अभी इतने टाइम से मैं घूम रहा था ना कंचनजंगा, दिख नहीं रहा था अपने को, अब यहाँ पर आया सिक्किम में और नॉर्थ बंगाल में, अब यहाँ से दिखना शुरू हुआ, हर जगह कंचनजंगा का व्यू दिख रहा है। इतने दिनों के बाद दिखा है हमारे ब्लॉग पे, तो निहारते हैं इसको ज़रा अच्छे से। तो बेसिकली ये एक व्यू पॉइंट है जहाँ पर सारी गाड़ियाँ आकर रुकती हैं, जितनी भी कैब्स टैक्सी वगैरह आती हैं। जब हमने नीचे से चलना शुरू किया वहाँ से लेकर अभी तक जहाँ पर भी हम पहुँचे स्पॉट तक, ये रास्ता है बहुत ब्यूटीफुल। मतलब रास्ते में इतने सारे लांबा फ्लैग, चैंटिंग फ्लैग्स लगे हुए हैं, तो इतना सीनिक दिखता है ना सब कुछ, बहुत मज़ेदार है। नीचे पकड़ना है, नीचे से। थैंक यू। नाथुला में दिखता है ये ऊपर? ये कंचनजंगा नहीं दिखेगा, वहाँ नहीं दिखेगा। अच्छा, तो ये कंचनजंगा का जो व्यू है वो सिर्फ यहाँ पर ही दिखता है। और जैसा मैंने बताया कि ये पूरा आर्मी जोन है, इंडिया चाइना बॉर्डर आगे पड़ता है नाथुला पास में, तो आपको हर जगह आर्मी के इस तरह के कॉन्वॉय जाते हुए दिखेंगे। तो यहाँ पर हर जगह आप वीडियोग्राफी फोटोग्राफी नहीं कर सकते, जब तक नीचे हैं तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे आप नाथुला पास के पास एकदम पहुँचेंगे तो वहाँ से रिस्ट्रिक्शन शुरू हो जाते हैं। तो फटाफट कॉफ़ी पी लेते हैं और हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि तो हमारे साथी लोग सब वेट कर रहे हैं अभी। अच्छा, ये जो पीछे भाई लोग बैठे हुए सारे अपने, ये 3-4 लोग मिले, और ये सब मेरे जो होम टाउन है मेरा कानपुर, उसके बिल्कुल बाजू में ही इनका भी घर है, होम टाउन वहीं से बिलोंग करते हैं सब लोग। कहाँ से आप लोग? मैनपुरी से, मतलब ये इटावा के आसपास आता है शायद। तो अभी यहाँ से हम आगे बढ़ रहे हैं, नाथुला यहाँ से बचा हुआ है कुछ 30 किलोमीटर के आसपास, दादा 30 किलोमीटर बचा हुआ है, और आज वेदर बहुत खुला हुआ है। वेदर खुला होने की वजह से जो विजुअल्स हैं बड़े अच्छे मिल रहे हैं हमें। गैंगटॉक से नाथुला का टोटल डिस्टेंस 58 किलोमीटर है, जिसे कवर करने में 2 से 2.5 घंटे लगते हैं, और इस बीच में 5000 फीट से 14000 फीट तक पहुंचने में यहां का टेम्परेचर बहुत तेजी से घटता है, तो जाहिर सी बात है कि यहां आते वक्त अपने साथ गर्म कपड़े लाना बहुत जरूरी है। बाकी अगर मैं यहाँ की रोड कंडीशन की बात करूँ तो पूरे सिक्किम में आए दिन लैंडस्लाइड होना बहुत आम बात है, जिसकी झलक आपको यहाँ इन रास्तों में बीच बीच में दिखती रहेगी। लेकिन BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की वजह से इन पहाड़ों पर भी आपको रोड्स की कंडीशन बहुत अच्छी मिलेगी, तो BRO के लिए भी एक सैल्यूट तो बनता है। और क्योंकि हम इस वक्त आर्मी कंटेनमेंट जोन में ट्रेवल कर रहे हैं, तो इन पहाड़ी रास्तों में आपको बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में बने आर्मी के बेस कैंप, मेडिकल कैंप
और मल्टीपल चेक पोस्ट दिखेंगे जहां पर आपका परमिट टाइम टू टाइम चेक होता है। और इसी रास्ते से हिंदू धर्म की सबसे पवित्र कैलाश मानसरोवर यात्रा भी की जा सकती है। यहां से कैलाश मानसरोवर की यात्रा 15 दिन से घटकर बाय रोड वाया नाथुला पास होते हुए सिर्फ 2 दिन में पूरी की जा सकती है। ओवरऑल गैंगटॉक से नाथुला पास का ये लगभग 50 किलोमीटर का सफर बहुत ही सीनिक और मेस्मराइज करने वाला होता है। रूम के नीचे पार्किंग में आना, गाड़ी नंबर 00011। वीआईपी नंबर है। ओके, वीआईपी नंबर है। हाँ भाई, फाइनली हम पहुंच गए नाथुला पास के बिल्कुल ठीक सामने। सामने आप देखो वो रास्ता है। तो ये वाला बिल्डिंग आप बताते हैं ना, ये चाइना का है। ये वाला चाइना का है, उधर वाले वो ग्रे वाला। और ये अपना भारत है, ये अपना है। अच्छा भैया, आप ब्लॉगर हो रहे हैं? हाँ जी, मैंने आपके ब्लॉग्स देखे हैं। ओहो, बहुत अच्छा ब्लॉग्स है आपका। थैंक यू सो मच। आपके ब्लॉग्स देखे ही मैं यहाँ पे आया हूँ। क्या अभी तुम्हें इधर आया हूँ? इधर सिक्किम में लास्ट टाइम आया था। दार्जिलिंग का था। हाँ, दार्जिलिंग देखा था। हाँ, और एक नॉर्थ ईस्ट का मैंने ब्लॉग देखा था आपका। अच्छा अच्छा, सही है। मैं आपके ब्लॉग्स देख के सोच रहा हूँ कि उस जगह पे जाऊंगा, काफी अच्छा रहता है। मतलब क्या नाम है आपका? अमित नाम है, मैं मुंबई से हूँ। चलो मिलते हैं कभी। कैसा रहा ऊपर एक्सपीरियंस? बहुत मस्त है वहाँ पे। वो चाइना के आर्मी है, चाइना का दिखते हैं। अच्छा, बट आप कुछ फोटो नहीं ले सकते। तो वहाँ पे वो प्रॉपर फेंसिंग है, उस तरफ चाइना है। तो फाइनली नाथुला पास के पास आ गए हम। इस तरफ आप देखेंगे तो ये चाइना की चौकी है और इस तरफ भारत की, और बीच में नो मैन्स लैंड है। लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पे हम, और यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन है। मुझे लगता है कि 1 के आसपास होगा अभी। और 14,000 फीट की ऊंचाई पे हो तो ऑक्सीजन लेवल भी बहुत कम होता है यहाँ पे। क्या होता है ना कि जैसे खारदुंगला वगैरह जाते हैं हम लद्दाख की तरफ, तो जो एल्टीट्यूड है धीरे 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 बढ़ता है। यहाँ पर बहुत तेज़ी से एल्टीट्यूड बढ़ना शुरू होता है तो ऑक्सीजन का लेवल एकदम से कम होता है। ठीक है, तो चल कर देख कर आता हूँ मैं, उसके बाद वापस आकर मैं आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। चलिए, जब तक मैं नाथुला पास का मुआयना करता हूँ, तब तक यहाँ के कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके साथ शेयर कर देता हूँ। नाथुला, ला का मतलब तिब्बतन लैंग्वेज में माउंटेन पास होता है, यानी पहाड़ी दर्रा। तो इसे नाथुला पास भी कहते हैं, नाथुला दर्रा भी कहते हैं, और इसे पास ऑफ द लिसनिंग एयर भी कहते हैं, यानी कि एक ऐसा माउंटेन पास जो सुन सकता है। सी लेवल से 14,140 फीट की ऊंचाई पर लोकेटेड नाथुला पास दुनिया में सबसे ऊंचाई पर बनी भारत और चीन की सीमा को जोड़ता है। पुराने समय में भारत से चीन जाने वाले यात्रियों और व्यापारियों के लिए ये एक लौता क्लासिक सिल्क रूट था। ये ट्रांस कॉन्टिनेंटल रूट वेस्टर्न रोमन एम्पायर को ईस्ट में चीन के शाही दरबार से जोड़ता था। इस सिल्क रूट की एक ब्रांच साउथ की ओर से हिमालय से होते हुए हिंदुस्तान की एशियंट कैपिटल दिल्ली तक जाती थी, और ईस्ट की तरफ दूसरी ब्रांच जो तिब्बती रेगिस्तान को बर्फ से ढकी चोटियों के ऊपर से पार करती थी। 14,140 फीट की ऊंचाई पर हिमालय को पार करके बंगाल की खाड़ी पर कोलकाता के बंदरगाह तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल और खतरों से भरा होता था। लेकिन 2nd सेंचुरी से 10th सेंचुरी के बीच दुनिया के बाकी देशों से जुड़े रहने के लिए ये ओल्ड सिल्क रूट चीन के पास एकमात्र जरिया था, और इसी वजह से उस समय व्यापार के लिए नाथुला पास बहुत मायने रखता था। पेन, घड़ियां, अनाज, तेल, कपड़े, साबुन और भी बहुत सारी चीज़ें घोड़ों और खच्चरों के जरिए गैंगटॉक से निकलकर वाया नाथुला पास होते हुए व्यापार के लिए तिब्बत और चीन भेजी जाती थी, जिसमें लगभग 1 महीने का समय लगता था। और जब वो लोग वहाँ से वापस आते तो उनके साथ रेशम, सूती कपड़े, गर्म कपड़े, पत्थर, मूर्तियाँ, हैंडक्राफ्ट से बनी हुई चीज़ें, वहाँ की लोकल शराब और भी बहुत सारी चीज़ें उन्हीं खच्चरों और घोड़ों के जरिए भारत भेज दी जाती थी। हालांकि जब तक समुद्र के जरिए व्यापार होने की शुरुआत नहीं हुई थी, तब तक ओल्ड सिल्क रूट भारत और चीन के बीच व्यापार का एकमात्र जरिया था। इसके आगे से फोटो खींचना, वीडियो निकालना बिल्कुल सख्त मना है। तो यहां से मैं कैमरे को ऑफ करता हूं, ऊपर होकर आते हैं, फिर मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा। वैसे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के मुताबिक इन रास्तों पर मुगल्स और ब्रिटिश ने अपने अंतिम महान युग का सबसे खूबसूरत अनुभव किया था, लेकिन 1962 में हुए इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट के बाद नाथुला पास को बंद कर दिया गया, जिससे ये अच्छा खासा व्यापार पूरी तरह से ख़त्म हो गया। इसके बाद 6 जुलाई 2006 को एक बार फिर से नाथुला पास को व्यापार के लिए खोला गया, लेकिन पहले की तरह व्यापार बिल्कुल भी नहीं चल पाया और दोनों देशों को कुछ खास मुनाफा ना होने की वजह से नाथुला पास को फिर से बंद कर दिया गया।
और बाद में इसे एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बना दिया गया। हालांकि इस क्लासिक ओल्ड सिल्क रूट का एक बहुत बड़ा हिस्सा अब ठंडे रेगिस्तान में दबा हुआ है। कहते हैं कि राष्ट्रों का कोई स्थायी मित्र या शत्रु नहीं होता, उनके केवल स्थायी हित होते हैं, अपने अपने देश के फायदे के लिए लिए गए फैसले होते हैं। इट टेक्स ईयर्स टू बिल्ड कैपेबिलिटीज, इंटेंशन कैन चेंज एनी टाइम। आज भी यहाँ पर हर सोमवार के दिन पीस मेंटेन रखने के लिए दोनों देशों के बीच मीटिंग होती है और उस दिन टूरिस्ट के लिए नाथुला पास बंद रहता है। तो नाथुला का दौरा करने के बाद आप बहुत करीब से ये तो जरूर जान जाएंगे कि भारतीय सेना के जवान सीमा पर तैनात होकर देश की रक्षा कैसे करते हैं। तो अभी हम लोग नाथुला पास से होकर वापस नीचे आ गए हैं जहाँ पर सारी टैक्सीज वगैरह खड़ी होती हैं। ऊपर आप जाते हैं तो वो चीज़ आपको बिल्कुल फील होगी, उस चीज़ की वैल्यू पता चलती है कि बॉर्डर में अगर आप होते हो तो ये कितना सेंसिटिव जोन है। और यहाँ पर ये एक सर्टिफिकेट ही है, बेसिकली ये एक सुवेनियर है। तो ये एक सुवेनियर है, अगर आप यहाँ पर आते हो तो इसे भी साथ में ले जा सकते हो एक मेमोरी के तौर पर। ये मैं आपको दिखा देता हूँ एग्जैक्टली। तो ये एक सर्टिफिकेट है, इसमें लिखा हुआ है सर्टिफिकेट ऑफ विजिट। तो यहाँ पर आप अपना नाम डाल सकते हैं, अपना फ़ोटो भी लगा सकते हैं और इसको अपने पास रख सकते हैं। 150 रुपये इसकी कीमत होती है और ये सारा पैसा जो होता है वो इंडियन आर्मी को जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपने भारत की सेना का सपोर्ट भी कर रहे हैं। आंटी आप अकेले आए हो क्या? नहीं नहीं, फैमिली है। हाँ, अच्छा, ऊपर गया। ओके, सांस फूला है। ओ ओ ओ आंटी जी, ऑक्सीजन लेवल ज्यादा कम हो जाएगा ना। हाँ, ज्यादा भाग दौड़ मत कीजिए, अभी कहीं बैठ जाओगे तो नॉर्मल हो जाएगा। हाँ, नॉर्मल हो जाएगा इधर। हाँ, फोटो खिंचाते अकेले, मेरे को लगा अकेले आए हो। नहीं नहीं आंटी जी, एकदम पोज दे के फोटो क्लिक करा रही थी अपने। उधर से गया, ऊपर होकर आया ना। हाँ, ठीक है, तो अभी थोड़ी देर बैठ जाओ, बैठ जाओ तो नॉर्मल हो जाओगे। हाँ, ठीक है। मैं भी जब चल रहा था ऊपर सीढ़ियों पे तो एकदम से मेरे हाथ नम हुए, मुझे ऐसा लगा कि ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप हो रहा है, लेकिन मैंने फिर सांस अपनी धीरे धीरे लेना शुरू कर दिया। मतलब बहुत जोर जोर से सांस नहीं ले रहा था, अपनी ऑक्सीजन को बचा बचा के मैंने ऊपर चढ़ना शुरू किया और ऊपर जाते ही फिर धीरे धीरे वो नॉर्मल हो गया। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ जैकेट और कपूर वगैरह साथ में लेकर जरूर आना, सडनली हो सकता है कि आपको चक्कर वगैरह आने लगे, आपके हाथों से ऐसा पसीना आने लगता है, नम होने लगते हैं हाथ, तो इस तरह की चीज़ें होंगी। पर उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं, आप थोड़ी देर जहाँ पर भी वहाँ रुक जाइए, उसके बाद फिर चलना शुरू कीजिए। तो ये सारी चीज़ें अगर आप यहाँ पर या किसी हाई एल्टीट्यूड वाली जगह पर आ रहे हो तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखो, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा ये। बाकी यहाँ से निकलते हैं, नीचे पहुँचते हैं, यहाँ से हम देखने जाएंगे छांगू लेक और बाबा हरभजन का मंदिर। चलिए, नाथुला पास से हरभजन बाबा मंदिर 8 किलोमीटर की दूरी पर है जिसे कवर करने में 15 से 20 मिनट लगते हैं और यहाँ का एल्टीट्यूड 12,651 फीट है, यानी कि नाथुला से 2,000 फीट नीचे। तो यहाँ पहुँचते पहुँचते आपका ऑक्सीजन लेवल भी कंट्रोल हो जाता है और एल्टीट्यूड सिकनेस भी खत्म हो जाती है। तो अभी मैं बाबा हरभजन के नए वाले मंदिर के ठीक बाहर खड़ा हुआ हूँ और यहाँ पर पीछे बाबा जी की कुछ जानकारी लिखी हुई है। तो बाबा हरभजन इंडियन आर्मी के एक सिपाही थे और 1968 के दौरान एक घटना घटी थी जिसके दौरान उनकी मौत हो गई थी। यहाँ पर एक पहाड़ी ताकुला से डोंग्यूई करके कोई जगह है, तो वो अपने साथियों के साथ वहाँ पर जा रहे थे और एक घटना के दौरान वो उस खाई से नीचे गिर गए और उनकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा नीचे जाकर गिरी और पानी से बहकर 2 किलोमीटर आगे तक चली गई। उसके बाद सबको समझ में आ गया कि अभी बाबा जी नहीं रहे, लेकिन वो उनकी बॉडी कहाँ गई किसी को नहीं पता था। कुछ समय के बाद वहाँ पर उनके एक साथी को सपना आया और सपने में बाबा जी ने बताया कि मेरी बॉडी यहाँ पर है, बर्फ़ में दबी हुई, उसे जाकर निकालो। और जब सब लोग वहाँ पर गए देखने के लिए तो उनकी बॉडी उसी स्पॉट पर मिली, तो ये बड़ा ही एक चमत्कार था। उसके बाद ऐसा कई बार हुआ, वो बहुत सारे सिपाहियों के जो उनके दोस्त थे, जो उनकी टुकड़ी के लोग थे, उनके सपनों में आने लगे और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताना शुरू कर दिया। पहले से कोई जानकारी या दुश्मनों की कोई भी मूवमेंट होती थी तो किसी न किसी के सपने में आकर वो बता दिया करते थे और वो एग्जैक्टली वैसे ही निकलती थी, सही निकलती थी बात। तो अब ये धीरे धीरे यहाँ पर चमत्कार बढ़ता गया तो लोगों का बिलीव भी बढ़ता गया, यहाँ के जो आर्मी के लोग थे, आसपास के लोग थे, सबका बिलीव बढ़ गया। और फिर किसी के सपने में एक बार फिर से बाबा आया और उन्होंने बोला कि मेरा एक मंदिर बनवा दो। तो उसके बाद इंडियन आर्मी ने यहाँ पर एक मंदिर बनवाया और तब से लेकर अभी तक यहाँ से जितनी भी गाड़ियाँ गुजरती हैं, जितने ऑफिसर्स की गाड़ी गुजरती हैं या नॉर्मल टूरिस्ट की गाड़ियाँ गुजरती हैं, तो यहाँ पे रुक कर हाथ जोड़कर बाबा जी को प्रणाम कर आगे बढ़ते हैं। एक और स्टोरी मैं आपको बताना चाहता हूँ बाबा जी की, ये मुझे यहाँ ट्रैवल करते करते पता चला। एक बार ऐसा कुछ हुआ था कि यहाँ पर इनके एक बड़े ऑफिसर आए थे जो कि इस जगह को क्रॉस कर रहे थे और उनको वहाँ के बाकी आर्मी वालों ने बोला कि सर यहाँ पर रुककर आपको प्रणाम करना है, हाथ जोड़कर आगे बढ़ना है।
वो अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे थे, लेकिन वो बड़े ऑफिसर थे तो उन्होंने मना कर दिया, कहते हैं कि वो तो मेरे से छोटी अहदे का था, उसकी जो पोस्ट थी मेरे से छोटी थी, तो मैं हाथ क्यों जोड़ूं। थोड़ा एरोगेंट टाइप के थे वो और अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे थे, तो वो बिना हाथ जोड़े यहाँ से आगे बढ़ गए अपनी फैमिली के साथ। उसके बाद जब वो यहाँ से वापस जा रहे थे हेलीकॉप्टर से, तो उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। और इत्तेफाक की बात यह है, चमत्कार की बात यह है कि उस हेलीकॉप्टर में किसी को भी चोट नहीं आई सिवाय उनके, उनकी बीवी उनके बच्चे सब सलामत थे, लेकिन वो जो भाई साहब थे उनकी डेथ हो गई। तो ऐसी ऐसी कहानियाँ हैं। चलो मंदिर के भी दर्शन कर लेते हैं अंदर। एक्चुअली ये वाला जो मंदिर आप देख रहे हैं ये नया वाला मंदिर है, यहाँ से 12 किलोमीटर और आगे जाते हैं तो पुराना मंदिर आता है, तो उसे भी आप देख सकते हैं, लेकिन वो रास्ता थोड़ा उबड़ खाबड़ है और बहुत सारे टूरिस्ट आ जाते हैं, तो टूरिस्ट के कंफर्ट को देखते हुए यहाँ पर एक नया मंदिर बनवा दिया गया है। तो यहाँ पर आकर आप आसानी से बाबा जी के दर्शन कर सकते हैं, ऐसा कहते हैं कि पूरी वैली में उनका आशीर्वाद है, तो अब आप यहाँ पर दर्शन करें आगे दर्शन करें एक ही बात है। और दूसरी बात ये भी है कि जो पैकेज हमने लिया है इस टूर का उसमें पुराना वाला मंदिर इंक्लूडेड नहीं है, उसका 2500 रुपये कुछ अलग चार्ज होता है और उसका परमिट भी अलग बनता है पुराने वाले मंदिर अगर आपको विजिट करना है। तो अगर वहाँ पर भी आप जाना चाहते हैं तो अपनी गाड़ी का एक और परमिट बनवा कर वहाँ तक भी जा सकते हैं। यहाँ से कुछ 12 किलोमीटर की दूरी पर ओल्ड मंदिर, लेकिन कहते हैं कि वो वाला मंदिर ज़्यादा खूबसूरत है। तो अभी देखो, फिलहाल तो हमें मौका मिला नहीं, देखते हैं नेक्स्ट टाइम आते हैं। आपने पहले भी सिक्किम कवर किया है ना एक बार? yes, देखा वेस्ट सिक्किम दार्जिलिंग वाला वीडियोस। मैंने आपके चैनल आई थिंक सब्सक्राइब किया हुआ है। हाँ। फैमिली हो यार फिर तो। क्या नाम है आपका? अवनीश, ट्रैवल विद अवनीश। अच्छा आपको भी चैनल? अभी जस्ट स्टार्ट किया है। चलो चलो, ऑल द बेस्ट। मंदिर के ठीक सामने यहाँ पर आप देख सकते हो वो एक व्यू पॉइंट है और बहुत ही सीनिक है, शिव जी की मूर्ति दिख रही है और पीछे से झरना गिर रहा है, वाटरफॉल गिर रहा है, तो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है, पिक्चर्स सेल्फी वगैरह लेने के लिए अच्छी जगह है। तो दर्शन कर लिए हमने हरभजन बाबा के मंदिर के और बहुत ही अच्छा, बहुत ही स्पिरिचुअल फीलिंग थी अंदर। और सबसे अच्छी बात ये देखने के लिए मिली कि यहाँ पर हर एक आर्मी का बंदा जो भी यहाँ से ट्रक गुजर रहा है, जो भी इनका कॉन्वॉय निकलता है, वो यहाँ कर रुक कर सारे के सारे सिपाही उतरते हैं और अंदर जाकर सल्यूट करते हैं बाबा जी को। उसके बाद उनका बगल में ऑफिस भी है, वहाँ पर भी जाते हैं, सल्यूट करते हैं, हाथ जोड़ते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। मैंने अभी देखा बड़े बड़े ऑफिसर, जितने भी आर्मी के बड़े ऑफिसर थे सब यहाँ पर रुककर आगे बढ़ते हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है, मतलब बहुत बड़ा बिलीव है। और एक चीज़ और, यहाँ पर प्रसाद के तौर पर पानी चढ़ाया जाता है, बड़ी बड़ी बॉटल्स मिलती हैं आपको सामने कैंटीन में, वहाँ से आप पानी का बॉटल ले सकते हैं। अगर घर का कोई मेंबर बीमार है या उसको किसी तरह की कोई तकलीफ़ है तो आप उनका नाम लिख दीजिए पानी के बॉटल पर और बाबा जी के सामने हाथ जोड़कर जो भी समस्या आपकी, जो भी प्रॉब्लम हो, आप मन में बोलिए और पानी का बॉटल वहाँ रख दीजिए और थोड़ी देर में वो पानी का बॉटल उठा लीजिए। तो उस पानी को आपको घर ले जाना है और जो भी आपके घर का मेंबर बीमार है उसको 21 दिन तक पानी पिलाना है, वो रोज़ 21 दिन तक वो पानी पीना है उनको। और जिस दौरान वो पानी पी रहे हैं उस दौरान घर का कोई भी मेंबर अल्कोहल कंज्यूम नहीं कर सकता, नॉनवेज नहीं खा सकता। तो ये सारी चीज़ें हैं और वाकई में इस जगह की जो मान्यता है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो उस हिसाब से मतलब वो चीज़ यहाँ पर देखी भी जा सकती है। सबके हो गए? चलो ठीक है, तो फिर अभी यहाँ से निकलते हैं और अभी हम यहाँ से जाएंगे छांगू लेक जो पास में ही है, तो उसे भी देख लेते हैं चल के। बाबा हरभजन के मंदिर से कुछ आधा किलोमीटर की दूरी पर हम आए और यहाँ पर एक और टूरिस्ट स्पॉट है, इसको बोलते हैं अमृत सरोवर और इसे हंगू लेक भी बोलते हैं। यहाँ से अभी हम नीचे जाएंगे तो एक और बड़ा लेक आएगा जो है छांगू लेक, और ये वाला है हंगू लेक, इसका नाम लिखा हुआ है, बाहर लिखा हुआ था अमृत सरोवर। और ये भी 13,900 फीट की ऊँचाई पर बना हुआ इतना बड़ा नेचुरल लेक है, देखने में बहुत ही गजब का, बहुत ही ब्यूटीफुल लेक दिख रहा है। लेक के ठीक सामने यहाँ पर ये 5 फ्लैग लगे हुए हैं, लामा फ्लैग्स, आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। जो ब्लू फ्लैग होता है वो रिप्रेजेंट करता है स्काई को, जो व्हाइट फ्लैग होता है वो रिप्रेजेंट करता है एयर को, और रेड वाला करता है फायर को, ग्रीन वाला रिप्रेजेंट करता है वाटर को, और येलो करता है अर्थ को। तो इन 5 फ्लैग का ही मतलब होता है। इसके नीचे एक और लेक आता है छांगू लेक, लेकिन वहाँ पर बोटिंग वगैरह नहीं होती है, लेकिन इस लेक में अगर आप आते हैं तो टूरिस्ट के लिए एक्टिविटी करने के लिए ये सारी चीज़ें हैं, मतलब बोटिंग वगैरह आप कर सकते हैं। कितना होता है इसका चार्ज? पर पर्सन 200 जी। अगर आप 3-4 लोग हैं तो पूरी बोट फुल होकर जाएगी, लेकिन अगर आप अकेले भी जाना चाहते हैं तो 200 रुपये देकर आप पूरी बोट पे अकेले बैठकर लेक के चक्कर काट सकते हैं।
तो अभी 3:10 बाकी और अब हम आ गए हैं छांगू लेक को देखने के लिए। और ये भी बड़ा खूबसूरत सा व्यू पॉइंट है, नेचुरल लेक है यहाँ पे। बहुत सारे याक यहाँ पर बैठे हुए तो उस पर बैठ के लोग पिक्चर क्लिक करते हैं, शायद थोड़ा बहुत राउंड भी इधर उधर लगाते होंगे। क्या इस पर बैठ के फोटो क्लिक करते हैं आप लोग? कैसा राउंड भी लगवाते हैं? राउंड भी लगाते हैं बच्चों को कि सबको? सबको बड़े। तो कितना ले लेता है ये वजन? वजन 180 तक ले लेता है। अच्छे से आपने इसको वो करके रखा है चमका के। इसको टोपी ओपी पहना रखी है यहाँ पे। खाता वाता क्या है ये? आटा चना घास वगैरह। आटा चना घास, सुबह तो एक टाइम तो आटा चना देना ही पड़ता है। तो दिन में कितना केजी खा जाता होगा ये? 8 kg। दिन में 8 किलो खाता है भाई ये, 8 किलो आटा और चना। मतलब ये माइनस टेम्परेचर में भी इनको कुछ नहीं होता है? एकदम, जितना ठंडा, अभी तो गर्मी है इसके लिए। इसके लिए गर्मी है अभी? जब माइनस में टेम्परेचर जाता है तब इनके लिए वो प्लेजेंट वाला मौसम होता है। तो ये एग्रेसिव होते हैं कि कैसे होते हैं? याक तो ज्यादातर शांति रहता है सर, शांत रहते हैं। शांति है ना भाई? मैंने याक मतलब अभी तक देखा था वीडियोस वगैरह में, पहली बार अपनी आंखों से देख रहा हूँ, वो भी इतने पास से। क्या सही उसको देखो करके रखा है। शांत एनिमल है, देखने में बड़ा एग्रेसिव खतरनाक लगता है लेकिन है बड़ा शांत सा प्यारा सा जानवर ये। क्या नाम क्या है इसका? इसका बुलेट है। बुलेट नाम रखा है? 1000 cc। 1000 cc। अच्छा तो तुम सब लोगों ने नाम रखे हुए हैं इसके? अच्छा इसका नाम बुलेट है। इसका क्या है? सिक्का। सिक्का का मतलब क्या होता है? सिक्का का मतलब है अभी सोने का सिक्का तो नहीं है, सिक्का ही है ऐसे नेपाली लैंग्वेज। नेपाली नाम उसका पांडा है। इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या? चिरकुट। चिरकुट। ये चिरकुट है? इसका नाम चिरकुट है। वो जो बैठा है उसका नाम बुलेट है और ये है पांडा। पांडा के सर पे पूरा इंडिया का झंडा लगा दिया लोगों ने। तो क्या बैठो, हम पर्दे का वीडियो आपका। अरे नहीं नहीं ठीक है, तो फोटो तो ले लो साहब, इतना यू आर अ ब्लॉगर बट आपको भी थोड़ा एक्सपीरियंस करना है ना कैसा है। लंदन पॉइंट जाना है तो लंदन यार मैं पता है एनिमल्स के ऊपर बैठना मेरे को। एनिमल लवर लवर है तो कुछ खाने के लिए दीजिए इसको। थैंक यू, थैंक यू, वेलकम। ऊपर है दर मेरा भाई साहब। ये शांत है? बुलेट डेंजर है, मारता है बुलेट। एक्शन खतरनाक सा बुलेट जो है वो खतरनाक है। कितना पैसा लगता है इसमें बैठ के फोटो क्लिक करने का? क्या 100 100 लेते हो आप फोटो क्लिक कराने का? और चक्कर वक्कर लगाना तो शॉर्ट राइड 550 है, मीडियम राइडिंग है। ये वैसे कितने साल में एकदम बड़े कितने साल में हो जाते हैं? पांडा 3 years का है बस। वो 3 साल का है पांडा? ट्रेनिंग करा है ना, ट्रेनिंग 6 महीना ट्रेनिंग देना पड़ता है। 6 month ट्रेन दिया है। ट्रेनिंग देते हो आप लोग? अच्छा, एकदम एडवेंचर हो जाता है। इनकी एज कितनी होती है वैसे? एज मिनिमम आपका डॉग से 15 years ज्यादा लाइफ होता है इनका। डॉग केयरिंग के ऊपर डिपेंड करता है इसको, मतलब 20 साल तक खाना पीना केयरिंग। 6 month अंडर द स्नो ऐसा है, बर्फ में बैठता है। आपका इसका खर्चा भी बहुत है। इधर से जाके ये शिव जी का मंदिर है, शिव जी मंदिर, इसको छांगू मंदिर भी बोलता है। छांगू मंदिर यस यस। याक को देखते देखते मैं भूल ही गया भाई, लेक भी देखना है तुम लोग के लिए, कुछ अच्छे शॉट्स कैप्चर करने हैं। तो ये है छांगू लेक, ब्यूटीफुल। इतनी ऊंचाई पे बना हुआ ये नेचुरल लेक है और अब यहाँ पे ठंड भी बढ़ रही है तो जल्दी से कुछ अच्छे शॉट्स कैप्चर करता हूँ मैं और फिर निकलते हैं यहाँ से। ये छांगू लेक से थोड़ा सा आगे आते हैं तो यहाँ पर एक रोप वे भी है। बेसिकली ऊपर जाकर वो आपको बिल्कुल हिल पे लेके जाते हैं और फिर वापस यहाँ पर ही आकर ड्रॉप करते हैं। इंडियाज़ हाईएस्ट एल्टीट्यूड पैसेंजर रोप वे, 380 रुपये चार्ज होता है इसका आने जाने का। ये जगह है सत्रमल। जाते समय हम यहाँ पर रुके थे, ड्राइवर भाई साहब ने बोला था कि अगर आपको कुछ खाना वगैरह खाना है तो प्री ऑर्डर दे दीजिए, पहले अगर आप बोल के जाते हैं तो आपके लिए लंच तैयार रखते हैं लोग। नाथुला से नीचे आते समय ना बीच में बहुत सारे छोटे छोटे गांव पड़ते हैं, आर्मी के बेस कैंप पड़ते हैं और 3 तो मेरे को बड़े बड़े लेक दिखे, उसमें से छांगू लेक और हांगू लेक 2 बड़े लेक हैं जो टूरिस्ट स्पॉट हैं। उसके अलावा भी 1-2 लेक आपको ऐसे दिखेंगे जो आपको रास्ते में दिखाई देते हैं। यहाँ पे अभी ऑक्सीजन है ना इसीलिए सब चीज़ अवेलेबल नहीं है और थोड़ा गैंगटॉक से महंगा भी है। यहाँ पे 3 महीना पूरा बर्फ से रास्ता बंद होता है, सब सामान सब नीचे से आना पड़ता है। सब नीचे से आता है। कहाँ से आता है नीचे? अभी गैंगटॉक से यहाँ तक आपका एक गाड़ी सामान लेने के लिए 4000 रुपीज़ पड़ता है। अभी गैंगटॉक से आप 10 रुपीज़ में चिप्स लेके यहाँ पे 10 में। ये बात तो है, पहाड़ों में ऐसा स्ट्रगल हमेशा रहता है, जो भी सामान होता है दुगने दाम में इसीलिए मिलता है क्योंकि उसे नीचे से ऊपर लेकर आना पड़ता है तो बहुत मेहनत का काम होता है, बहुत ज़्यादा डीजल लगता है तो इसी वजह से यहाँ पर दाम थोड़े से ज़्यादा होते हैं लेकिन वो ठीक भी है। मतलब 20 रुपये की चाय क्या ही है। तो इस शॉप में आपको जैकेट्स भी मिल जाएंगे अगर आपको रेंट पे जैकेट चाहिए, गलती से अगर आप को इधर के वेदर का पता नहीं चला और आप गर्म कपड़े नहीं लाते अपने साथ तो यहाँ पर ऑप्शन है रेंट की जैकेट का भी।
ये सब नए जैकेट हैं और नीचे जो रखे हुए हैं ये हैं रेंट वाले जैकेट। क्या रेंट होता है मैडम जैकेट्स का? 200 रुपीस, मतलब ऊपर नाथुला तक जाएंगे और वापस यहाँ पर देना होता है पूरा दिन के लिए। चांदो बाबा मंदिर नाथुला पूरा घूमते आएंगे, आप सुबह लेंगे शाम को रिटर्न करेंगे। अच्छा अच्छा। कल हम लोग जब गैंगटॉक में घूम रहे थे तो वहाँ पर एक छोटा सा पीस मैंने लिया था, खाया था, किसी ने बोला था ये गाय का बनता है, गाय के मिल्क का बनता है, वो यहाँ पर भी दिखा मुझको। तो बेसिकली अभी भाई साहब बता रहे हैं कि वो याक के मिल्क का बनता है, तो उसमें फैट बहुत ज़्यादा होता है और उसको सुपारी का सब्स्टिट्यूट बोल सकते हैं, मतलब तो उसको मुँह में रख लेते हैं और धीरे 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 चूसते रहते हैं और धीरे धीरे वो मेल्ट हो जाता है, पर बहुत लंबा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा ही सख्त था वो। उसमें फैट बहुत होता है, इस वजह से इसको खाने से ऑक्सीजन का भी लेवल थोड़ा मेनटेन रहता है। तो ये हाई अल्टीट्यूड वाली जगह है सारी, तो इस वजह से यहाँ पर आपको बहुत जगह ही दिखाएगा। गैंगटॉक की मार्केट में तो मैं देखा ही था। क्या बोलते क्या इसको? छुरपी। नाथुला की अगर बात करें तो यहाँ पर दिन में, एक दिन में 2200 से 2300 गाड़ियाँ जाती हैं टूरिस्ट की रोज़। तो अब ये एक टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है प्रॉपर। अभी जब मैं ऊपर गया था तो बहुत सारे हमारे जो जवान हैं सिपाही हैं उनसे हमने बात भी करी, तो बहुत लोगों ने यही बोला कि पहले के जो हालात थे और इस वक्त के हालात हैं उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक कैजुअल ऐसे ही बातचीत हो रही थी तो बातों बातों में बातें निकल के आई, मुझे लगा आपके साथ शेयर करनी चाहिए। तो उनसे हमने बातों बातों में पूछा कि पहले के जो हालात थे 2014 के जब दूसरी सरकार थी तो तब ज़्यादा अच्छा था या अब अच्छा है। और ये इसलिए पूछा क्योंकि क्या होता है ना, मीडिया में जो खबरें आती हैं उसमें लीपा पोती मसालेबाजी बहुत होती है, तो आधी बातें सच होती हैं, आधी कुछ क्रिएट की जाती हैं, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी होती है आपको तभी पता चलती है जब आप उस जगह जाते हो। तो उन्होंने यही बोला, कहते पहले के हालात थे और इस वक्त के हालात में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इस वक्त सब कुछ बहुत अच्छा है, सब कुछ अंडर कंट्रोल है, बहुत पीस है। जो आर्मी के जो गियर्स वगैरह होते हैं, जो इक्विपमेंट्स होते हैं, जो आर्म्स वगैरह यूज़ करे जाते हैं, वो पहले से ज़्यादा बेटर हो गए हैं, उस पर बहुत ध्यान दिया गया है। अभी हम बिल्कुल नो मैंस लैंड तक पहुंच गए, मतलब वहाँ पर किसी का कानून नहीं चलता है, वहाँ पर सिर्फ आर्मी का कानून चलता है। और ये भी उन्होंने बोला कि पहले पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा होता था, अब बिल्कुल भी नहीं होता है, पूरा का पूरा कंट्रोल आर्मी के पास है यहाँ पर, जितने भी बॉर्डर्स हैं हमारे इंडिया में। तो ये एक बड़ा बदलाव आया है, तो बहुत अच्छी चीज़ है अगर देखा जाए तो, क्योंकि मुझे लगता है कि अपनी इंडियन आर्मी अपने आप में इतनी सक्षम है, उसमें पॉलिटिक्स का इंटरफेरेंस होना नहीं होना उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, उनको सब पता होता है कि कहां पर किस समय किस तरह से रिएक्ट करना है, कैसे मोमेंट लेने। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमारी इंडियन आर्मी इतनी सशक्त है, इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि वो सब कुछ अपने आप संभाल सकती है। जैसा मैंने बताया कि यहाँ पर 2200 से 2300 टैक्सीज़ रोज़ आती हैं, जिसमें 9-10 लोग बैठ के आते हैं एक टैक्सी में, रोज़ आना जाना होता है। तो समझ लो कितना बड़ा एक टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है। और इसका अगर श्रेय जाता है तो करंट की जो गवर्नमेंट है उसी को जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही फ्रेंडली एटमॉस्फेयर आपको देखने के लिए मिलेगा नाथुला में, जो कि पहले नहीं होता था। छोटी छोटी एक्टिविटीज़ भी हैं, जैसे सुवेनियर्स वहाँ पर देना, ताकि वो आम आदमी के साथ कनेक्ट हो सके। हाँ, बस कुछ चीज़ें हैं, रूल्स हैं तो उसे फॉलो करना है, जैसे वीडियोस हर जगह नहीं बनाने, फोटोज़ हर जगह क्लिक नहीं करनी। उन्होंने बोल रखा है कि एक स्पॉट बना दिया नीचे, तो वहाँ पे जाकर आप पिक्चर्स वगैरह क्लिक करनी तो कर लो, बाकी ऊपर मत करो सिक्योरिटी पर्पज़ से। तो वो हमें मानना भी चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। तो अभी यहाँ से हम जाएंगे वज्रा स्टैंड, वहीं पर हमारी टैक्सी हमें छोड़ देगी और उसके बाद वापस मैं गैंगटॉक पहुँचूँगा। और कल हमारा प्लान है नॉर्थ सिक्किम को एक्सप्लोर करने का, तो उसमें लाचेन, लाचून और भी बहुत सारी जगह आती हैं जिसे हम एक्सप्लोर करते हुए चलेंगे। तो कल का दिन भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा तो आपको पता है क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना ये वाला वीडियो कैसा लगा। चैनल पर पहली बार आ रहे हो, वीडियोज अच्छे लगते हैं तो ज़रा सपोर्ट करो, सब्सक्राइब बटन को दबा कर जाओ। सो इनफॉर द डे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज प्रशांत साइनिंग ऑफ, सी यू सून इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय, टेक केयर।